बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है संडे और अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं अभी नहा धोकर आई हूँ। सो अभी मैंने आज ना मैंने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी है एंड ये ना बहुत टाइम से रखी थी लॉकडाउन जो मैं आज ये कुर्ती पहनी हूँ ना बहुत टाइम से रखी थी लॉकडाउन के टाइम में मैंने सिलवाया था एंड रखे रखे चीज़ें ख़राब होती है एंड देखो चूहा चूहा भाग गया। सो रखे रखे चीज़ें बहुत ख़राब होती है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा संडे है तो चलो आज थोड़ा सा पहन ही लेते हैं। सो पूरे टाइम तो वैसे भी आप लोग देखना ज़्यादातर मेरा जो ब्लॉग्स हैं उस पर ज़्यादातर मैं ब्लू कलर का गाउन पहनने ही आप लोग को दिखूँगी एंड यहाँ पे चूहा परेशान कर रहा बैग रखा है तो वहीं पे जा रहा है और मैं जा रही थोड़े से रील्स बनाने। सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने पहना है तो थोड़ा सा रील्स बना लूँ एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी आज है तो मैदे की पापड़ी। अब देखती हूँ मैदा रखा है कि नहीं, अगर रखा होगा तो बनाऊँगी एंड मुझे बनाने तो गुलाब जामुन और छोटा पैकेट लाया था मैंने और बहुत दिन हो गए, एक महीने आई थिंक हो चुके ऑलमोस्ट, तो रखा कर रखा ही है बनाया ही नहीं। सो मैं उसे बनाऊँगी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करती हूँ, मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये दोपहर का टाइम है और संडे वाले दिन का। सो यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे मैदा ना रखा था उसका पैकेट निकाल ली हूँ एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट जो मेरा काम है तो वो मैं ना बालों को बांध लूँगी क्योंकि किचन में बाल खोल के खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो खाने में और आएँगे सो और फिर चिल्लाएंगे मेरे हस्बैंड, इससे अच्छा है कि बाल बांध लो और बाल हमेशा बांध के ही किचन जाना चाहिए काम। एंड यहाँ पे ना मैंने सूट पहना था ये ब्लू कलर का और दुपट्टा डाला था। सो ये कुर्ती आप लोगों को कैसी लग रही मुझे कमेंट करके बताना एंड यहाँ पे बहुत दिन से मैदे का पैकेट पड़ा हुआ था सो मैं देख रही थी पहले कि उसमें कुछ है तो नहीं और उसके बाद ये इसमें मैं ना मटरी बनाऊंगी सो इससे पहले इसका मैं डो तैयार कर लूँगी एंड यहाँ पे ना मैंने मैदा डाला, मैदा डालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी एंड यहाँ पे नमक डालने के बाद आप देख सकते हो इस पर ना अच्छी तरह से आपको तेल डालना है, ऑयल जो है जो इसका मोयन होता है वो अच्छी तरह से डालना चाहिए नहीं तो फिर मटरी सॉफ्ट नहीं बनती है या कुछ भी आप रोटी पूड़ी या कुछ भी आप उसकी बनाते हो मैदे की। सो इसलिए आपको ना ऑयल अच्छे से डालना है एंड उसके बाद सारी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिला देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अजवाइन भी डाल दिया है, हल्का क्रश करके ही डालना अजवाइन कभी भी एंड इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा डो यहाँ पे मैं बना लूँगी। आप देख सकते हो पूरे जो मोयन नमक ये सारी चीज़ें हमने डाली है तो अच्छी तरह से मिला लेना, अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए और नहीं तो वो अच्छे से आप मिक्स नहीं करोगे तो वो सॉफ्ट डो रेडी नहीं होगा। सो इसीलिए आपको अच्छी तरह से उसको मिलाना है। हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिलाना है एंड उसके बाद आपको ना आटा ना अपने उंगलियों में मतलब हथेलियों में लेके चेक करना है, अगर वो रुकता है तो समझ जाना कि जो उसका मोयन है वो अच्छा है, अगर आटा निकल जा रहा है फिसल जा रहा है तो समझ जाना कि उसमें थोड़ा सा तेल और डालना है तो ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा एंड यहाँ पे जो आटा है तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था मेरा। सो इसलिए अब मैं इसे नॉर्मली पानी से हम इसे एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो रेडी करके रख लेंगे। एंड जब आप ये डो को रेडी कर लोगे तो एंड उसके बाद आपको नॉर्मली छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है, पूड़ियां जैसे अपन बनाते हैं एंड उसके बाद वो चम्मच से ना चम्मच की हेल्प से आप उसमें ना हल्का हल्का सा होल कर दो ताकि वो फूले ना और मटरी की शेप में रहे। आप चाहो तो कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हो उसमें, नॉर्मली चम्मच वाला बेटर रहेगा एंड आप उसको डाल के छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए एंड नॉर्मली आप उसे तल लो एंड ऐसी ही मटरी तैयार होती है। सो जो मटरी का वीडियो है पूरा वो तो मैंने नहीं ऐड किया, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डो रेडी कर लिया है
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से डो होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। और जो डो है उसे अच्छे से आपको हाथों में मलना है। एंड उसके बाद आपको ये जो डो है उसको आधा मिनट बोल रही, सॉरी 10 मिनट या आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना, जो जैसे आपके पास टाइम हो। बलून कितना सजाए हैं ना दुकान में, ये ऐसा ना नंबर मोकली है नहीं इन्हें मत भूल गई आज मैं ही नहीं छोड़ी कड़े पहन लेते ना इधर घाट को पर भूल गई। अच्छा घाट को पर ये खुश है मम्मी के पास, बाकी किसी को जाना ही नहीं है। सो गाइस अभी हम आ गए अंदर स्टेशन और मंदिर तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल लेके बैठा इतना बाल बाल ना सब बराबर करती है लोग चालू कर दो वीडियो वो कौन सी मंदिर है, अपनी मंदिर है क्या वो मंदिर। ऊपर है ना तो बोर्ड लगा है राज कंप्यूटर है वो अंदर हो गया वो देखो फ्रॉक बच्ची की।